हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने बीए डिस्टेंस और बीकॉम, एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए दोस्तों रीअपियर एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के लिए डेट शीट जारी कर दी है। जिन्होंने रीअपियर और एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरे हुए हैं वो अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, जो पेपर हैं वो आपको पता ही है ऑफलाइन रहेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऑफलाइन पेपर ही लेने का डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, अब आपको डेट शीट के बारे में बता देते हैं। आपके सामने जो डेट शीट है दोस्तों वो है बैचलर ऑफ आर्ट फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के लिए ये डेट शीट है दोस्तों। डेट शीट रहेगी 25 मार्च को आपका एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का रहेगा, सेकंड पार्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए। और 27 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा मैथमेटिक्स थर्ड पार्ट प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। और संस्कृत का भी एग्ज़ाम 27 तारीख को ही है और संस्कृत इलेक्टिव का भी। उसके बाद 31 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्शन वन के लिए और मैथमेटिक्स पार्ट वन के लिए एनालिसिस के लिए। उसके बाद 2 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो रहेगा इन हिंदी कंपलसरी और हिंदी इलेक्टिव के लिए, पंजाबी इलेक्टिव के लिए और उर्दू इलेक्टिव के लिए। 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश के लिए कंपलसरी और इंग्लिश विद न्यू सिलेबस, जो सिलेबस चेंज हुआ था उन बच्चों का। 7 अप्रैल को जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा दोस्तों हिस्ट्री ऑप्शन 2 के लिए, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन 2 के लिए दोस्तों। उसके बाद 8 अप्रैल को जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा दोस्तों सोशियोलॉजी के लिए, इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी, सोशल प्रॉब्लम्स और सोशियोलॉजी पॉपुलेशन एंड सोसाइटी की। दोस्तों, फाइनल ईयर के लिए डेट शीट जो रीअपियर, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये डिस्टेंस वाले बच्चे जो रेगुलर हैं, जो जिन्होंने डिस्टेंस से बीए करने लग रहे हैं, रेगुलर के लिए नहीं है ये, सिर्फ रीअपियर, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के लिए है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं दोस्तों बीकॉम की डेट शीट के बारे में। बीकॉम फाइनल ईयर की डेट शीट आपके सामने है, ये भी ओनली रीअपियर, इम्प्रूवमेंट के लिए है। दोस्तों, जो 25 मार्च को एग्ज़ाम होगा वो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट के लिए होगा, 27 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा वो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए होगा, 31 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो इनकम टैक्स एकेडमिक सेशन के लिए होगा दोस्तों, और 2 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए दोस्तों, और 7 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए दोस्तों। तो ये रहेगी बीकॉम फाइनल ईयर ओनली रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट की डेट शीट दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं एमए के बारे में दोस्तों, एमएससी और एमकॉम के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं एमए, एमएससी और एमकॉम की जो डेट शीट है वो आपके सामने है, ये भी इसी तरह रहेगी, सिर्फ रीअपियर और इम्प्रूवमेंट के लिए है। ऑफलाइन एग्जाम होंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 100 मार्क के जो पेपर होंगे, टाइमिंग रहेगी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक दोस्तों। सब्जेक्ट आपको बताते थे 26 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हैं, 26 मार्च को जो एग्ज़ाम है वो रहेगा सब्जेक्ट में कॉमर्स के लिए रहेगा स्ट्रेटिक मैनेजमेंट, और इंग्लिश के लिए रहेगा क्रिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री के लिए रहेगा हिस्टोग्राफी, मैथमेटिक्स का रहेगा इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शन एनालिसिस, इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी, हिंदी के लिए रहेगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, पॉलिटिकल साइंस के लिए रहेगा कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, पब्लिक एड के लिए रहेगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत के लिए रहेगा संस्कृत एंड धर्मस्ट्रा कॉमन ऑफ ऑल ग्रुप। तो ये संस्कृत के लिए एग्ज़ाम भी इसी दिन होगा दोस्तों, 26 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्च को होगा और उसके बाद 1 अप्रैल को होगा। ये अपने सब्जेक्ट वाइज दोस्तों देख सकते हो, पूरी लंबी लिस्ट है। और दोस्तों, अगर आपको डेट शीट चाहिए तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हो दोस्तों। जो डेट शीट है वो आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दी जाए। 3 अप्रैल को एक एग्ज़ाम रहेगा 3 अप्रैल को, और उसके बाद 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद 8 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो ये रहेंगी एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए इम्प्रूवमेंट ऑन रीअपियर के एग्ज़ाम दोस्तों। ये डेट शीट रहेगी इसकी, और एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको डेट शीट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहाँ से ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डेट शीट आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।